सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ सोलो कॉन्करर रैंक पुश। सो गाइस, आज दो गेम प्ले बनाया है मैंने, तो देखते हैं आज के दो गेम प्ले कैसे बनते हैं। सो मैं लूटपाट करता हूँ यासनाया में थोड़ा बहुत, और यहाँ पे घूम ही रहा था मैं ड्रॉप के लिए, तो यहाँ पे कंपाउंड में एक बंदा स्पॉट होता है मुझे, तो मेरे पास स्नाइपर थी इसलिए मैं उसे दूर से मारने की कोशिश कर रहा था, क्लोज में जा नहीं रहा था मैं। तभी मुझ पे किसी ने एस पे डाल दिया था, पर वो बंदे की लोकेशन मुझे पता ही नहीं चल रही थी। सी आफ्टर 30 पूरे बंदे अलाइव बचे थे बस। यहाँ पे मुझे एक बॉन्ड का किल मिल जाता है फ्री में। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता हूँ कि वो बंदा कोई पीक देगा वरना या कुछ करेगा, पर वो बंदा पीक नहीं देता। और भाई इत्तेफाक देखना, हम दोनों की टाइमिंग कितनी बहुत ज़्यादा सेम हो जाएगी। अभी मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, वो देखना गाइस ये राइट से निकल रहा था, और ये बंदा भी उतर जाता है मुझे मारने के लिए तब तक। लेकिन उससे पहले मैंने उसे मार भी दे दिया। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी 5.6 कैमो ले लेता हूँ और फिर यहाँ से निकलते आगे। तो यहाँ से मैं रोजुक साइड पे आ गया था, मुझे एक अच्छे से कंपाउंड होल्ड करना था सेंटर में, क्योंकि वहाँ से अच्छे खासे किल्स भी मिल सकते हैं। अगर हम सेंटर पकड़ेंगे तो वहाँ से आसपास बंदे जो रोटेट करते हैं हम उन्हें इजीली किल कर सकते हैं, गाड़ी से गिरा सकते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कंपाउंड देख रहा था। मुझे सामने वाला कंपाउंड सही लग रहा था, यहाँ से पूरा एंगल मिलता है हर जगह का, इसमें इसीलिए यहाँ पे आ जाता हूँ। सो इसे थोड़ा सा डैमेज देकर मैं कवर में आ जाता हूँ। सो उसकी 50% हेल्थ तो वहीं पे डाउन हो चुकी थी, तो इजी सा किल मुझे मिल गया। वैसे हमेशा थोड़ा सा डैमेज देकर अंदर आया करो, क्योंकि हमें वो बंदा अपने पे अगर पुश कर रहा है तो थोड़ा सा डैमेज दो, तुरंत कवर में आ जाओ, फिर वापस थोड़ा सा बाहर निकलो, तुरंत कवर में आ जाओ, उसे पूरा किल करते मत बैठो गाइस, थोड़ा सा डैमेज देके कवर ले लो। इस तरह से वो भी डर जाएगा, वो इजी किल मिल जाएगा। एक बंदा आ जाता है जल्दी से, उतर कर भाग जाता है अंदर, मैं उसे गिरा नहीं पाता, अपने कनेक्ट नहीं होता। यहाँ पे भाई मैंने जो फर्स्ट नेड किया था वो उसके आसपास किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि उसे मेरी जो साउंड है वो ना आ सके, कि मैं उसके पास क्लोजिंग कर रहा हूँ। और जो सेकंड नेड जो था जो यहीं पे गिर गया था बाहर, वो मेरे हाथ से मतलब ग्लिच था, जो ग्रेनेड का जो ग्रेनेड पे क्लिक करते अपने आप ही छूट जाता है वो हो गया। और थर्ड जो ग्रेनेड था वो तो मैंने बराबर वहाँ पर डाल दिया, तो भाई उसे ऐसे मार दिया मैंने। फर्स्ट ग्रैंड इसलिए किया था क्योंकि उसे मेरी साउंड ना आ सके, वो सुन हो जाता है ना 3-4 सेकंड के लिए अपर ग्रैंड आसपास फटेगा, तो उसे मेरी साउंड नहीं आ गई, इसलिए मैं वहाँ पे लेट गया था, मेरी साउंड ना आने इसलिए मैं लेट गया था, वरना मैं वहाँ पे लेटता नहीं। सो गाइस, अभी ये फाइनल सर्कल मतलब एक ही कंपाउंड बचा था जोन के अंदर, तो ऐसे मैं वहाँ पर मर जाता हूँ।
वहाँ पे मैं पुश करता हूँ, उतरते ही बंदा मुझे मार देता है, गाड़ी से उतरते ही मार देता है। और गाइस ये दूसरा गेम प्ले है हमारा, यहाँ पे मैं लिपो का मैं उतरता और मेरे साथ और तीन बंदे उतरे थे। तो गाइस यहाँ पे फायर थोड़ी अच्छी हुई है, यहाँ पे एक बंदे ने मेरे ऊपर ये एसपी डाल दिया था वो हैक वाला, तो मुझे पता नहीं था वो बंदा कहाँ पे है, इसलिए मैं पोजीशन भी चेंज कर रहा था जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझ पर ग्रेनेड ना कर सके। तो गाइस मुझे वो बंदा तो स्पॉट हो गया था, तो शायद उसे डर लग रहा था कि उसे किधर से स्पॉट कर लिया, इसलिए वो पीछे आ गया। गाइस उसके सामने भी और एक बंदा था, इसलिए वो पीछे आ गया, उसे पता ही नहीं कि मैं राइट साइड में हूँ। वो बंदा मुझ पर पुश करेगा थोड़ी देर में, जिसे डर कर वो बंदा पीछे भागा था अभी। सो गाइस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मुझे साउंड आ जाता है कि पीछे से कोई तो बंदा क्लोजिंग कर रहा है। सो यहाँ पे बंदा अभी क्लोज आ चुका था मेरे, यहाँ पे मुझे साउंड आ गई थी और उसने मेरे पे ESP भी डाल दिया था, तो मुझे साउंड आ चुका था क्योंकि वो सामने वाले ब्रोकन वाल पे आ गया है, इसलिए मैंने ग्रेनेड खींच लिया पटाख से। और इससे बहुत सारा डैमेज तो पड़ गया था और बस एक गोली में ये बंदा ख़त्म। ये बंदा अच्छा खेल रहा था क्योंकि जब मैं ग्रेनेड पुल किया तो इसे भी साउंड आ गया था, इसलिए इसने मुझ पर प्री फायर किया, उसे लगा मैं उठ कर दे दूंगा, लेकिन हम भी ऐसे नबड़े तो नहीं है कि ग्रेनेड के लिए पूरा एक्सपोज हो जाए। तो गाइस यहाँ पे देखना फायर चल रही थी, बहुत प्रो प्लेयर थे दोनों, ये तो सबका चाहिए था, बॉर्ड चाचा थे और ये सबकी दीवारें साफ करते थे, जो कि एक दो गोली में जग गए, उड़ गया वो। तो गाइस ये बॉर्ड कितनी गोली खाएंगा देखो, पहले दो मैंने के शॉट, तीन चार पाँच, पहले दो और पाँच सात, टोटल 7 शॉट्स लिया भाई ये बॉर्ड ने। कितनी हेल्थ थी क्या पता, इसकी 200 थी शायद भाई, इतना महीने का शॉट कैसे भाई, हम तो 2 शॉट में मर जाते हैं। यहाँ से हमें 3 स्कोप मिल जाता है, M24 भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से आराम से लूटपाट करता हूँ मैं और फिर चल पड़ता हूँ और बंदे की तलाश में। तो वैसे यहाँ पे एक बंदा था उसकी, क्योंकि उसने फ्लेयर ड्रॉप मंगाया था यहाँ पे, इसलिए मैं चेक करने आ गया यहाँ पे बंदा है कि नहीं। तब तक मुझे यहाँ पे बंदा स्पॉट तो हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पीड अप कर दिया क्योंकि हमारी फाइट बहुत लंबी चल रही थी। ये आज मैं थोड़ा, अगर अच्छा सा कोई मॉन्टेज के लिए वीडियो क्लिप मिल जाए, इसलिए मैं ऐसे ट्राई कर रहा था स्नैपिंग। सो गाइस ग्रिंड करते वक्त हमेशा ऐसे आई बटन का यूज़ किया करो, हमें अच्छा सा पता चलता है कि वो ग्रिंड की प्रोजेक्टाइल कहाँ पे जा रही है, वो कहाँ पे जाके वो स्पॉन बरोबर गिर जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने फिर से एसपी डाल दिया, वो पीछे की ओर भाग गया था थोड़ा, तो यह गाइस यहाँ पे मैं उसके ऊपर पुश कर देता हूँ, उसे भी मेरी ESP से लोकेशन पता चल गई थी, इसलिए मैं थोड़ा वेट किया, पीछे ही रहा क्योंकि मुझे लग रहा था ग्रेनेड आ सकते हैं, और ग्रेनेड आता भी है लेकिन मुझसे दूर ही पड़ जाता है, क्योंकि मैं पहले से चौकन्ना था, मुझे पता था कि ग्रेनेड आ सकता है। तो यहाँ पे उसका ESP तो ख़त्म हो गया था और लेकिन मेरा ESP अभी भी चल रहा था, और इसलिए मैं उस पर ऊपर सीधा पुश कर देता हूँ। ग्रेनेड में पूरा 2 सेकंड पे रहेगा तभी फेंका, और 1 सेकंड तो उसके जाने तक हो गया, और 1 सेकंड में सीधा मूवमेंट भी नहीं कर सकता बंदा, तो भाई उसको कोई चांस ही नहीं था उस बंदे को बचने का। भाई अगर एक बंदा क्लोज में हो अपने इतना जितना मेरे था 10 मीटर के अंदर, तो ग्रेनेड को कम से कम 3 3 सेकंड के ऊपर बिल्कुल भी छोड़ना, वो 3 सेकंड के अंदर होगा तभी छोड़ना।
और गाइस यहाँ पे एक नाइस बढ़िया सा शॉट, और यहाँ पे देखना गाइस क्या ही सीन होगा हमारे साथ। ये यहाँ पे देख रहा था बंदा, तब तक मुझे राइट से साउंड आता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्री फायर देता हूँ, और भाई भाई इसने तो मेरा ये दिल ही तोड़ दिया भाई, मौका भी नहीं मिला मुझे हीलिंग का। जैसे एक गोली पड़ी वैसे फिनिश हो गया, मैं मतलब मुझे हिलने का भी चांस नहीं मिला। इसने बहुत अच्छा स्प्रे मारा भाई इतने दूर, मतलब डैमेज नहीं सीधा किल ही हो गया हमें। मुझे हिलने में तब का भी टाइम नहीं मिला, बहुत अच्छा स्प्रे दिया इसने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।